हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्रिज का थर्मोस्टेट को आप कैसे चेंज करें, और इसको हम छोटे से मैं आपको बताएंगे कि ये फ्रिज का थर्मोस्टेट खराब हुआ है और इसको कैसे चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं फ्रिज में। तो फ्रिज का आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रिज कंट्रोलिंग बटन है, ये फ्रिज कंट्रोलिंग बटन है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रिज चालू है, इसमें आइस जम रहा है। देखो आप, ये चालू है फ्रिज मेरा, आप देख सकते हो ये फ्रिज को। तो ये बटन खराब हो चुका है, हमारा फ्रिज बंद नहीं हो रहा है, कट ऑफ नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये अंदर दबा है तो भी चालू है फ्रिज, और आप इससे कंट्रोल भी कर रहे हो तो भी फ्रिज चालू है। तो इस कंडीशन में आपका थर्मोस्टेट खराब है, तो इसको हम चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रिज का पावर ऑफ कर देना है फ्रिज को, और आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको फ्रिज का देखो इधर आइस जमा है, आप देख सकते हो। ये देखो हमको इधर से ये हमको स्क्रू खोलना है, देख रहे हैं। ये हम स्क्रू खोल रहे हैं और इसको नीचे से लॉक रहता है इसका, ये हमारा निकल चुका है, आप देख सकते हो। ये तो इसको आप देख रहे हो, तो ये आपका लॉक है। तो ये आप लॉक में दबा के आप देखो ये निकाले, और ये थर्मोस्टेट है आपका, आप देख सकते हो ये। तो इसको हमको निकाल के चेंज करना है। वायरिंग निकाल ले रहे हैं, वायरिंग को आपको वायरिंग आप देख सकते हो, आप एक फोटो खींच के ले सकते हो वायरिंग का आपका किधर क्या लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं थर्मोस्टेट को। हमने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, और इसका जो इधर से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम निकाल लेंगे। यह हमने थर्मोस्टेट को निकालना है, यह हम बटन को आप पुश करके निकाल सकते हो, इसको रख लेना, और ये आपको ये थर्मोस्टेट निकल गया, ये थर्मोस्टेट निकल गया। और ये थर्मोस्टेट का तो हम ये निकाल लिए, तो आप देख सकते हो ये खराब हो चुका है, और इसमें पूरा देखो ये सड़ चुका है नीचे, इसीलिए काम नहीं कर पा रहा, इसमें पूरा आइस जम गया है। और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चेक करके भी दिखाएंगे इसको कैसा चेक करते हैं। तो ये अब हमारे पास चालू वाला थर्मोस्टेट है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये हमारा चालू वाला है। इसको अब हमें लगाना है इसमें, तो आप कैसे लगाए, तो आपको सीधा वही काम करना है आपको, आप इसको देखो ये खांचे में चला गया, दब गया, ये अब हमारा लग चुका है। तो इसमें आपको सिंपल ही क्या करना है, आपको ये लेना है, इसमें सेम खांचे में डालना है, और इसको अब इसको हम चेक करके भी दिखाएंगे आपको कि उसमें जो हो रहा है, देखो ये निकल रहा है, इसको दबा रहे तो ये निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर आया नहीं है, इसमें टेम्परेचर आया नहीं है फ्रिज का, इसीलिए निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जिस जगह पे था उसी पे लगाना है आपको, एकदम परफेक्ट लगाना है, ताकि ये हमारा सेंसर है, ये सेंसर ये फ्रिज में जब कंट्रोल हो जाता है पूरा थर्मोस्टेट में, जब आइस जम जाता है इधर, तो ये हमारा कट ऑफ करने का काम करता है, ताकि आपका कब कंप्रेसर चालू होना चाहिए कब बंद होना चाहिए ये पूरा वर्क करता है। तो हमें नीचे दिखा, जब भी हमें इसमें एकदम आगे लगा के इसको ये देखो, ये इसको
इसका जो ये आगे जाना चाहिए, ये आप देख रहे हो, ये हमारा अभी पूरा खचे ऊपर आ चुका है। ये पूरा चारों आप देख सकते हो, ये चारों ये पूरा ऊपर आना चाहिए और नीचे से ये एकदम टच रहना चाहिए, तभी आपका ये काम करेगा थर्मोस्टेट। तो आप, ये हमारा थर्मोस्टेट लग चुका है, अब इसका हम वायरिंग जो निकाले थे वो लगा देंगे। ये अभी हम वायरिंग कर रहे हैं, ये हमारा ब्लैक वाला पीछे था और ये जो पर्पल और ये हमारा जो पीला वाला वायर था इसमें आगे लगेगा। आप फोटो निकाल सकते हो, नहीं तो हमें याद है तो हम वैसे ही कनेक्शन कर रहे हैं इसका। यह बारह हम वायरिंग हो चुका है, लूज नहीं रहने मांगते आपको, इसको आपको दबा भी देना है अच्छे से। ये अभी हम लगा दिए हैं, इसको आपको देख लेना है, आपको ये आपको खांचा देख के आपको वैसे ही बैठा देना, आप देख सकते हैं। ये देखो, ये अब हमारा वर्क कर रहा है, देखो आप कैसा। अभी ये जो दबा रहे थे, हमारा जो खराब वाला था वो दबा ही था और चालू था, लेकिन ये एकदम परफेक्ट। आप दबा रहे हो तो निकलने मांगता है, क्यों? ताकि इसमें टेम्परेचर आया नहीं है जितना आने चाहिए फ्रिज में। तो सिंपली अभी हमें एक लगा देना है, हमने निकाला था, अभी ये लग चुका है हमारा। आपको सिंपली ये ऊपर करके आपको ये बैठा देना है, नीचे हमारा ये आपको ये ऊपर कर देना है, ऊपर करके आपको ऐसा बैठा देना है नीचे। एकदम अच्छे से हमारा देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट लग चुका है। यहाँ हमारा लग चुका है, अभी इसमें हम जो स्क्रू निकाले थे वो लगा देंगे इसमें। ये हमारा लग चुका है, अभी अभी हम आपको चालू करके भी दिखा देंगे इसको, तो आप देख सकते हो हमारा लग चुका है एकदम परफेक्ट। अभी हम ये चालू कर रहे हैं, तो चालू होने लगते हैं हमारा, देखो चालू हो गया। अभी आप देख सकते हो ये हमारा चालू हो गया, ये देखो अभी बंद नहीं हो रहा है, इसको दबाएंगे, देख सकते हो आप, इसको दबाएंगे हम, सुन सकते हो देखो, अब हमारा कंप्रेसर कट हो गया। अभी ये दबाएंगे तो रिटर्न आ रहा है, आप देख सकते हैं ये दबा रहे तो रिटर्न आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं आया है, तो अभी हमारा चालू हो गया। तो आप देख सकते हो ये हो गया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि ऐसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी रिलेटेड आपको वीडियो मिल सके जो आप घर पे ही सॉल्व कर सकते हो। तो